दोस्तों इस सीरीज के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पहले मैंने आपको दिखाया था कैसे मैं नागपुर से पुणे एक ही दिन में पहुंचा, बाद में मैं पुणे से मुंबई कुछ ही घंटों में पहुंचा और अब मैं राइड करते हुए अपने GT 650 को जा रहा हूं मुंबई से पुणे, पुणे से नांदेड़ होते हुए वापस नागपुर। तो ये वाला जो पूरा सफर है ना बहुत ज़्यादा इन्जॉयबल है। मुंबई से मैं सुबह सुबह निकल चुका हूं और बहुत ही प्यारा रास्ता मिलता है मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे, बहुत मज़ेदार रास्ता है और मैं काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करता हूं। पर बहुत बार रिफिल करना पड़ता है क्योंकि 18 से 20 का ही माइलेज मिलता है मेरे GT 650 में और अच्छा है, ठीक है परफॉर्मेंस के साथ में, तो इसके हिसाब से माइलेज ठीक है। 120-140 में मैं क्रूज़ करता हूँ जनरली और रास्ते अच्छे मिल जाते हैं, तो कभी कभी थोड़ा कम ज़्यादा करते रहना पड़ता है स्पीड। ये रास्ते मैंने देखे हुए तो ये वाली ट्रिप में सबसे ज़्यादा यादगार चीज़ जो है वो ये अभी आप जो वीडियो में देख रहे हो, मैंने अहमदनगर से राइट टर्न लेकर के नांदेड़ की तरफ वाला रास्ता सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि मुझे इस बार नागपुर डायरेक्टली नहीं जाना है, नांदेड़ होते हुए जाना है। जनरली जब मैं पुणे से निकलता हूँ अहमदनगर फिर औरंगाबाद इस तरह से होते होते हम लोग चले जाते हैं कारंजा मैकर से नागपुर, लेकिन इस बार नांदेड़ में कुछ काम था तो पहले मैंने नांदेड़ के लिए टर्न लिया। थोड़ा सा खराब रास्ता मिला था बहुत देर तक के, उसके बाद में आ गया एक अच्छा हाईवे और अच्छे हाईवे अच्छे रूट के साथ ड्राइव करने में मज़ा मुझे ज़्यादा आ गया और ये बाइक जो है वो मज़ा हमेशा ज़्यादा देती है स्पेशली ऑन द लॉन्ग रूट।
से होते हैं, 160 रुपए का। फाइनली मैं लगभग 1:30 बजे तक दोपहर में नांदेड़ सिटी तक पहुंच गया और यहां पर मेरा काम शुरू होगा। थोड़ी देर काम करने के बाद मुझे जल्दी से यहां से निकलना भी है ताकि नागपुर में बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाऊं पहुंचने में। लगभग 9:10 बजना चाहिए मुझे नागपुर पहुंचते हुए, उससे पहले पहुँच जाऊँ तो और बेटर है। वैसे सबसे अच्छी बात यह कि नांदेड़ से निकलने के बाद थोड़ी देर ही रोड ख़राब मिलते हैं, उसके बाद रोड बहुत प्यारे हो जाते हैं। फिर नांदेड़ से यवतमाल, यवतमाल से वर्धा, वहाँ से नागपुर जाना बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा। इस बाइक के साथ तो और ज़्यादा बढ़िया लगेगा, स्पेशली जब मैंने इतने सारे लाइट्स लगवाए हैं इसमें ऑल व्हीलर वाले। फाइनली मैं रात के 9:30 बजे तक नागपुर पहुंच गया। अपने घर पे पहुंचने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग फील हुआ। सफ़र बहुत ज़्यादा प्यारा गया, लगभग 1930 या 1940 किलोमीटर मैंने कवर किए ट्रिप में और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।